अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ इमली की चटनी। इमली की चटनी को हम स्टोर करने वाले हैं 1 to 2 months के लिए। हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैंने इमली को जो है 1/4 kg मतलब 1/4 kg इमली को मैंने वॉश करके रख लिया था और उसको एक से दो ग्लास पानी में मैंने इसको भिगो कर रख दिया था। अब इस तरह से मैं अपने क्लीन हाथों से इसको मैश कर रही हूँ। मैश कर करके मैंने इसको एक बाउल के ऊपर जो है स्ट्रेनर रख दिया है। हमारे घर में जो भी छन्नी हो आप यूज़ कर सकते हो, आपके घर में जो भी हो। और फिर इसको अच्छे से उसका पल्प निकाला है और जो भी इमली का वेस्ट जो बच जाएगा, जिससे हम पल्प निकाल चुके होंगे, उसको हम एक एयर टाइट कंटेनर में रख लेंगे, ताकि हमको कुछ भी सालन वगैरह बनाना हो, जैसे फ़िश करी वगैरह में खट्टी चीज़ों का यूज़ होता है, जैसे दही का तो नहीं, नींबू का यूज़ होता है, तो हम इमली का भी यूज़ करके इसको कर सकते हैं। इसी तरह हम इसको स्टोर करके रख देंगे ताकि ये हमारे काम आ जाए, वेस्ट ना हो जाए, बस इसलिए। अब अच्छे से स्ट्रेन करने के बाद में जो है हमारा अच्छा सा पेस्ट निकल के आ जाएगा। आप जितना पानी डाल के इसका पेस्ट निकालोगे ना, ये निकलता जाएगा। तो इस तरह से फिर मैंने अपना पेस्ट निकाल लिया है और फिर देखते चलिए प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। इस इमली की चटनी को मैं रमज़ान के लिए बनाकर प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि पूरा मंथ हम इसका मज़ा ले। ये हमारा एकदम बढ़िया वाला पल्प निकल के आ गया है, एकदम गाढ़ा है, एकदम अच्छा है, एकदम पतला भी नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 cup के करीब शुगर। आप पूरा 1 cup भर के भी डाल सकते हैं, नो इशू, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से शुगर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको रख देंगे स्लो फ्लेम पे, गैस पे 10 to 15 minutes के लिए। इसको अच्छे से आप पकने के लिए छोड़ दें, बीच बीच में थोड़ा हिलाते रहे, देखते रहे कि हो रहा है या नहीं आराम से। अब इसमें अच्छे से बबल्स आ गए हैं, इसको बॉईल आ गया है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करते हैं। इसमें मैंने 1/2 teaspoon नमक लिया है, खाने वाला नमक, घर में हम जो खाते हैं वो लिया है। अब 1 teaspoon चिली पाउडर लिया है, आप कलर वाला भी ले सकते हैं। 1/2 teaspoon कलौंजी लिया है और 1 teaspoon जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है, और 1 teaspoon काला नमक लिया है। देखिए फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से भी इसमें मसाले मिला सकते हैं। मैंने कलौंजी इसलिए डाली है क्योंकि कलौंजी से इमली की चटनी का जो टेस्ट है ना, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर उसको एक 1 boil लीजिए और फिर गैस को ऑफ कर दीजिए। अब देखिए हमारी इमली का जो पल्प है, इमली की जो चटनी है, वो इतनी बढ़िया बन के आई है। कम से कम 1/2 kg की हमने इसको स्टोर करके रख दिया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए और प्लीज़ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।